जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत से लोग ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, एक साल हो गया, 1.5 साल हो गया, कई लोगों को तो 2 साल हो गया और वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं, डिफरेंट निशेस पे काम कर रहे हैं, लेकिन 2 साल हो गए हैं, उन्होंने 1 रुपया भी नहीं कमाया। लेकिन इसकी बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी वजह जो पिछले दिनों हमें समझ आई, तो मैंने सोचा आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर कर दें, क्योंकि तजर्बा एक ऐसी शय है जो आपको जो है ऑडियंस के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ, अपने सब्सक्राइबर के साथ, अपनी भाई बहनों के साथ शेयर करना चाहिए। अब वो एक्सपीरियंस इस टाइप का है कि हमारे जो है बाफा की क्लासेस हो रही हैं और बहुत से लोग ऑलरेडी जो एसईओ जानते हैं उन लोगों ने बाफा में एडमिशन ले लिया। मैं इसलिए इस वीडियो को या इस टॉपिक को आपके साथ रिलेट करूंगा क्योंकि बात घूम घुमा के आएगी उधर, यानी कि बहुत से लोग कर रहे हैं काम और वो फेसबुक पे कर रहे हैं, लिंक्डइन पे कर रहे हैं, फाइबर पे कर रहे हैं, लेकिन उनको क्लाइंट नहीं मिल रहा। ऐसे ही एक बंदा ऑलरेडी 1 साल से जो है एसईओ कर रहा था, ऑलरेडी 1 साल से एक वेबसाइट पर, एक डोमेन पर काम कर रहा था। अब मसला यहाँ ये हुआ और जो सवाल जो आज की पूरी वीडियो का वो ये हुआ कि सर जो है हमारे क्लासेस दे रहे थे कि जो है एक्सपायर्ड डोमेन पे हमने काम नहीं करना, यानी कि वो डोमेन्स जो ऑलरेडी डेड हो गई हैं उनको बाय करके काम नहीं करना। अब वो जो हमारे भाई थे वो ऑलरेडी 1 साल से काम कर रहे थे, जब उन्होंने वेबसाइट बाय की तो उनको ये क्राइटेरिया नहीं पता था ये वेबसाइट न्यू है या ये ओल्ड है या ये एक्सपायर है। एक होती है ओल्ड, एक होती है न्यू और एक होती है एक्सपायर, कि वो ऑलरेडी एक्सपायर्ड में थी और वो 1 साल से आर्टिकल लिख रहा था, एसईओ कर रहा था, ऑन पेज कर रहा था, ऑफ पेज कर रहा था, लेकिन उसे रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे। तो जैसे ही उन्होंने हमारे टीचर का एक लेक्चर सुना जो है, उसके बाद उनमें मेरे अंकल भी शामिल थे, वो भी क्लासेस ले रहे थे, तो उन्होंने कहा यार एक टीचर का कितना फायदा हुआ यार, मतलब अगर एक टीचर आपको एक सही वे बता दे, एक सही बात बता दे तो आपका 1 साल बच सकता है। तो देखो एक बंदा 1 साल से वहां मेहनत कर रहा था, तरले मार रहा था, वहां पर अपनी पूरी जो है वो एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा था, लेकिन उसको कख हासिल नहीं हुआ पूरे 1 साल में। और एक लेक्चर हुआ जिसमें एक लेक्चर के जो है आधे हिस्से में तो सर ने बताया कि डोमेन ऐसे बाय होती हैं, इन इन जो है तरीकों से डोमेन का नाम रखना है, ऐसे डोमेन बाय करनी है, उनका क्राइटेरिया ये है। तो इट मींस जो उन्होंने जो है वो काम किया वो एक्सपायर्ड डोमेन पे किया। तो टीचर का आपकी लाइफ में, एक उस्ताद का, एक गुरु का, एक सीनियर बंदे का आपकी लाइफ में वही किरदार है जो होना चाहिए, यानी कि आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा, आप बहुत से रोलों से निकल आएंगे, आप बहुत से चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। तो अगर आप एक उस्ताद हायर कर लेते हैं या उनके साथ अटैच हो जाते हैं या इंटर्नशिप कर लेते हैं या उसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं, तो उस बंदे ने जो 4 साल में सफ़र तय किया वो आप 2.5 से 3 माह में तय कर लेंगे। तो अब हमें इस सारी चीज़ों से क्या सीखने को मिला, वो कि एक तजर्बा बड़ी शय है, एक उस्ताद बड़ी शय है। बहुत से लोग ऑलरेडी गेस्ट पोस्टिंग में तरले मार रहे हैं, बहुत से लोग कंटेंट राइटिंग में और जो है वो ऑर्डर लेने की ट्राई कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फेसबुक पे काम कर रहे हैं, लिंक्डइन पे काम कर रहे हैं, फाइवर पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई मेंटोर नहीं मिला, उनको कोई टीचर नहीं मिला, उनको कोई सही गाइड करने वाला नहीं मिला। अभी जो है आप फेसबुक चौहान 34 वाला में जाएं, वहां पे आप पूछें कि पिछले 2 दिन में हमने प्रॉपर बच्चों को फाइबर करवाया है, तो उनको पूछें कि उनके कैसे क्वेश्चन है, उनको कैसे करवाया गया, यानी कि एक एक चीज को प्रैक्टिकली करवाया गया एक एक बच्चे का। इवन दैट इस बार हमने फेक ऑर्डर्स भी लगा के दिखाए कि इस तरीके से फेक रिव्यू लगाने हैं, इस तरीके से अकाउंट रैंक करना है, इस तरीके से गिग बनानी है, इस तरीके से ऑप्टिमाइज करनी है, इस तरीके से ऑनलाइन रखना है, इस तरीके से चैट करनी है, इस तरह स्ट्रेटजी। तो बहुत फर्क पड़ता है। तो बहुत से लोग अभी जो सोच रहे हैं तो वो हमारे बैच 13 में आ सकते हैं। एक टीचर का आपकी लाइफ में बड़ा रोल होता है और आप बैच 12 के बहुत से बच्चे होंगे, आप चौहान 34 वाले में वहां मैसेज करें, आपको बहुत से लोग रिव्यू देने के लिए रेडी होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।